है कि शांति बनाए रखें। अभी हम लोग अपना कार्यक्रम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। अब हम अपने अगले वक्ता के रूप में मिसेज प्रकाश देवी से अनुरोध करते हैं कि वो आएं और अपनी बात रखें। प्रकाश देवी जी के लिए जोर से तालियां बजाएं। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं शाहीन बाग और यहां पर हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं से जो यहां पर पूरे स्टेज को मैनेज कर रही हैं। ये महिलाएं किस तरह से बाहर निकली ये कहानी अपने आप खुद बताएंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो कोऑर्डिनेशन है किस तरह से इस आंदोलन को अलग ढंग की दिशा दे रहा है। मेरा नाम इकरा है और पहले दिन जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसके दूसरे दिन इवनिंग में शाम 5 बजे मैं यहाँ आई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि कुछ लेडीज़ ने शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू किया है। उस टाइम भी लेडीज़ कम ही थे तो हाँ मेरे दिमाग में एक क्लिक किया कि हम लोग ऐसा करते हैं घर घर जाके लेडीज़ को बुला कर लाते हैं। हाँ एक रैली निकालते हैं तो हम यहाँ से 10 से 15 लेडीज़ का टीम लेकर हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ थी यहाँ पर हम लोग गए तो 20-25 के ग्रुप से थे पर जब पूरी शाहीन बाग में घूम घूम कर हम लोग कम से कम 200 लेडीज़ हम लोग इकट्ठा कर चुके थे उस दिन थर्ड डे तीसरा दिन 11 बजे मॉर्निंग में। उसके बाद बस हम लोग शुरुआत कर दिए लोग जुड़ते गए। मैं होम मेकर और मैं घर में ही रहती हूँ हाउस वाइफ। जी जी 2 बच्चे हैं और बच्चियाँ भी छोटे ही हैं 1 7 साल की है 1 5 साल की है और उनके साथ ही हम इसको भी देख रहे हैं और घर भी मैनेज कर रहे हैं दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। जी मेरा नाम शाहीन मलिक है। हाँ नहीं मैं अबुल फजल की हूँ पर अब शाहीन बाग की हूँ। वो मैं तो सबसे पहले जामिया में शुरू करा था मैंने प्रोटेस्ट। मेरी चाची यहीं रहती है फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है तो फिर हम जब से यहाँ आने लगे दूसरा तीसरा दिन। जब वहाँ पर शाहीन बाग में पहले दिन से हम वहाँ पर कर रहे थे जब वहाँ पर पुलिस ने वो करा था ना अटैक करा था फिर जब भी हम वहीं थे फिर वहाँ पर तो लोग हम जुड़ने लग गए फिर पर जब यहाँ पर बताया कि यहाँ पर थोड़ी कम है अभी लेडीज़ तो हमारी चाची ने बताया तो फिर मैं अपने अबुल फजल से पूरी रैली निकाल के यहाँ पर लेकर आती थी औरतों को जमा करके कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और हमारा ये मजबूत हो प्रोटेस्ट। इसलिए मेरा नाम रूबी है रूबी सैफी मेरा नाम मैं संभल मुरादाबाद से हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं पर मैं यहाँ प्रोटेक्ट में आई हूँ। मेरी बहन वगैरह सब मेरी खाला हैं वो यहीं सोती हैं पूरी रात बॉर्डर पे खड़ी रहती हैं सो जाती हैं यहाँ पर मैं सुबह 9-10 बजे से यहाँ आती हूँ थोड़ी देर के लिए चले आती हूँ फिर रात को जाती हूँ मैं यहाँ पर। इसलिए सुबह ही आ जाते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ का हमें देखभाल करनी होती है। इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यह प्रोटेक्ट हमारे लिए हमें NRCCA NPR बस वापस ले लें हमारी बस यही है घर बार कुछ नहीं बस यहीं पर ध्यान लगाते हैं हम सारा ज़्यादातर। मेरा नाम ऋतु कौशिक है और मैं वैसे जामिया की एल्युमिनाई हूँ और जब जामिया में 15 तारीख को मतलब ये जो पुलिस ने किया है बर्बरता के साथ स्टूडेंट्स को मारा है लाइब्रेरी में घुसकर तो वो बहुत एक इमोशन जुड़ा हुआ है जामिया के साथ क्योंकि हम लोगों ने भी वहाँ पर पढ़ाई की है वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हमने भी समय बिताया है तो बहुत दुख हुआ देखकर। तो 16 तारीख को हम लोग जामिया आए थे देखने के लिए बहुत दुख हुआ देखकर। और दूसरी बात यह है कि ये जो CAA और NRC इतना ख़तरनाक कानून सरकार लेके आई है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है ये हम मतलब मेरा मानना है कि सभी हिंदुस्तानियों को इसके खिलाफ आज आने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो NRC और CAA है यहाँ पर मुझसे पूछा जाता है कि आप यहाँ कोऑर्डिनेट करते हो आप तो हिंदू हो आप यहाँ क्यों आते हो। और कई लोग बोलते हैं कि हिंदू कई लोग अच्छा भी मानते हैं कि हिंदू भी हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं तो मेरा कहना यह है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं है ये लड़ाई हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी जो परंपरा है और हमेशा से ही हिंदुस्तान में बिना धर्म देखे हुए बिना देश देखे हुए हिंदुस्तान ने सबको शरण दी है तो इसके खिलाफ अगर कोई भी सरकार जाती है तो हमारा फर्ज बनता है। और इस आंदोलन में महिलाएँ इतनी बड़ी संख्या में उतरी हैं इस आंदोलन का एक बहुत बड़ी एक विशेषता है ये एक अतुलनीय आंदोलन है शायद ही आज़ादी आंदोलन के बाद
पहली बार ऐसा हुआ है। या तो हमने सुना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA में सबसे पहले रानी झांसी रेजिमेंट बनाया था, और ये रानी झांसी रेजिमेंट जो है ये स्वतस्फूर्त बनी है। तो हम पूरा विश्व जो है में ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ शाहीन बाग से कि आज ज़रूरत है अपने अधिकारों के लिए। जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है वहाँ महिलाओं को ज़रूर आगे आना चाहिए। हम यहीं रह रहे थे टेंट में, लेकिन कल ऐसा हुआ कि हम यहीं रह रहे थे लेकिन एक हमें एक भाई साहब मिले, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने मिलाया मेरे भाइयों को, मतलब उनके घर तो कल हम रात को पहली बार उनके घर गए और उनके घर जाके उनके बच्चों से मिलके, उनकी वाइफ से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम दूसरे के घर में आए हैं। ऐसा इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ हम रात को सोते हैं। आप सारी औरतें सारी लड़कियाँ कोऑर्डिनेट कर रही हैं इस चीज़ को, कोऑर्डिनेट कर रही हैं। जी सर, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? टाइमिंग सेट कर रखी है हमने, जिसके जिसका जितना वो है कि टाइमिंग का देना है तो हम इतना देते हैं। ये सुबह में आते हैं ये लोग, हम लोग सुबह 9 बजे यहाँ जाते हैं, 8 बजे 9 बजे हम दोपहर को थोड़ी देर के लिए जाते हैं, फिर ये लोग आते हैं, ये ऋतु कौशिक है दी ये आ जाती हैं, ये आ जाते हैं, फिर ये लोग रेस्ट ले लेते हैं थोड़ी देर का, फिर दूसरी आ जाते हैं। हम 6 लोग हैं, टाइमिंग सेट कर रखे हम लोगों ने। हाँ, 3 बजे तक रात को यहाँ पर ख़त्म करके इसको और चले जाते हैं। फिर ये लोग सुबह जनगण मन के साथ ये दोनों शुरू करते हैं, इकरा और रूबी। कैसे शुरू करती है सुबह? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो भी यहाँ पे साफ़ सफाई अगर नहीं होती है तो साफ सफाई करवाते हैं साथ में लगकर। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय गान करते हैं। राष्ट्रीय गान के बाद अगर हमारे पास कोई दुआ करने के लिए आता है तो वो दुआ शुरू होता है, और फिर बस स्पीकर का नाम लिखते रहते हैं और नेक्स्ट स्पीकर बुलाते रहते हैं। ये काम कभी आपने पहले, आपका क्या नाम है? मेरा नाजिया नाम है जी, यही रहते हैं शाहीन बाग में ही। मतलब कॉलेज में थोड़ा बहुत जैसे फेयरवेल वगैरह हुई तो उसमें अनाउंसमेंट किया है। ये भी नहीं सोचा था कि रात में हमें सड़कों पे सोना पड़ेगा। मेरी यहाँ पे लगभग 10 रातें गुजरी हैं, 24 घंटा गुजरा है और 10 रातें मेरी सड़क पे गुजरी हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, बतौर महिला बतौर औरत, हमारे ऊपर घर का बहुत बोझ रहता है। हाँ। हम घर में रहते हैं तो बिल्कुल दम मारने की फुर्सत नहीं है। सही बात। हाँ। लेकिन अब देखिए, इतनी हजारों औरतें आई हैं और घर भी चल रहा है। हाँ। तो घर कैसे चला पा रहे? क्या आदमी कुछ घर का बदला है, कुछ मदद कर रहे हैं? हस्बैंड चेंज नहीं हुए हैं, उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया है, पर हाँ बहुत सारी चीज़ों पे वो टोकते नहीं हैं। अब बोलते नहीं हैं कि हाँ ये क्यों नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, आप वहाँ भी टाइम दे रहे हो तो हो जाएगा। बस ये हम सिंपल चीज़ें बना रहे हैं, एक महीने से बहुत जो खिचड़ी बन रही है, कभी तहरी बन रही है, कभी मटर पुलाव बन रहा है, या फिर सिंपल सब्जी रोटी, बस लंबे चौड़े खाने नहीं बन रहे। कुछ नहीं, कभी ना जब रुकते हैं घर पे तो रात में 2 बजे 2:30 बजे मशीन लगती है कपड़े की। हाँ, रात में कपड़े धुलते हैं, कोई टाइम नहीं है। उसी टाइम डस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं जल्दी। तो इस तरह से काम को मैनेज कर रहे हैं, और अस्त व्यस्त हो चुका है घर काफ़ी हद तक, फिर भी कोई बात नहीं, पर हिम्मत कम नहीं है हमारे अंदर, हिम्मत कम नहीं है। मैं जानना चाहती हूं घर में कुछ चेंज, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ? कुछ नहीं, पैसा का वैसे, बल्कि मेरे घर में तो इतना काम है क्योंकि मेरा घर भी बन रहा है, पानी दूसरे वाले घर से लेकर आना पड़ता है, पर मैनेज करती हूँ, बहुत फटाफट काम करती हूँ और यहाँ पहुँचने की लगती है, बस यहाँ पहुँचने की। ये होता है कितनी जल्दी यहाँ चले आए, 11 बजे 12 बजे हम भी आ जाते हैं, और 2-3 बजे बच्चे को मैनेज करना, तो बच्चे को मैनेज करने में हस्बैंड कुछ हेल्प करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करते हैं, बच्चों को मैनेज करने में वो हेल्प करते हैं। अगर उनको, अगर हम नहीं हैं और हम खाना नहीं बना पाए तो वो बाद में या तो मार्केट से ला के उनको कुछ खिला देंगे, या फिर कुछ भी बना देंगे जो बच्चे खा लें, मैनेज, जैसे मैगी वगैरह। मैं तो अनमैरिड हूं, खैर मैनेज करते। चैलेंज बहुत है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि अम्मी आज मत जाइए ना, बहुत दिन से आप हमारे साथ सोए ही नहीं है, आज मत जाइए अम्मी, आज आप हमारे साथ रहिए। पर उन्हें समझाते हैं कि देखो बेटा, अगर हम आज नहीं गए तो कल जो हमारा ये बिल है ना, जो मोदी साहब ने पास किया है, CAA और NRC जो बिल पास हुए हैं हमारे, क्योंकि CAA लागू हो चुका है, NRC आने वाला है, नेक्स्ट फेज वही है। तो बेटा इसका दूसरा रूप ये होगा कि आज तो आपकी अम्मी कभी कभी जा रही हैं, कुछ टाइम के लिए जाएंगी, हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये
पर अगर ये लागू हम पर कर दिए गए तो इसके बाद आपकी अम्मी पता नहीं बेटा आपको मिलेंगी कि भी नहीं मिलेंगी। बहुत ही यूनिकनेस है वो ये कि जैसे कि घरों में जो हस्बैंड लोग हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े होते हैं तो कभी कभी कुछ गड़बड़ होती है तो पीछे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जेंट्स लोग खड़े रहते हैं, तो वो लोग इतना प्रोटेक्ट करते हैं और वो लोग बोलते भी हैं कि आप हमारी महिलाएं यहाँ पर सुबह से हैं, तो कुछ जो बातें होती हैं वो सुनाई देती हैं कि वो लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, नंबर एक। और दूसरी बात ये है, देखिए दिल्ली मोस्ट अनसेफ है महिलाओं के लिए, लेकिन ये शाहीन बाग एक ऐसी जगह है जहाँ संडे के दिन 1 लाख 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग होते हैं और उसमें इतनी भी जगह नहीं होती है कि हम निकल सकें आराम से। लेकिन आप ताज्जुब देखिए कि कोई इवटीजिंग नहीं, किसी तरीके का भी कुछ ऐसा हादसा नहीं होता है कि ऐसा डर कि अरे हम महिलाएं हैं। और यही इलाका है, जब हम जामिया में यहाँ पढ़ते थे तो जब 5 बज जाते थे तो हमें लगता था कि बस जल्दी से किसी तरह निकलें, और आज हम रात को 4 बजे 4:30 बजे भी यहाँ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो मूवमेंट जो है, जब पब्लिक मूवमेंट होता है तो हमारा कल्चर भी चेंज होता है, तो ये बहुत बहुत अच्छा है लगा देखकर इस चीज़ को, और मूवमेंट होना चाहिए। ये 5-6 लड़कियां महिलाएं जो अलग अलग इलाकों की हैं, शाहीन बाग में जो इतना आंदोलन चल रहा है इसमें पूरा का पूरा मंच कोऑर्डिनेट कर रही हैं, इसे चला रही हैं। इन्होंने कहा ये आंदोलन बहुत हिम्मत देता है, इन्होंने बताया कि पहली बार वे घर से इतना निर्भीक होकर यहाँ तक पहुँची, सड़क पर बैठी, रातें काटी, और यहाँ से जो उनको ऊर्जा मिल रही है वह जीवन भर उनके साथ रहने वाली है। यही है शाहीन बाग की ऊर्जा, एनर्जी जो शाहीन बाग की औरतों को दे रहा है और देश और दुनिया भर में दे रहा है।